तो कुछ देर पहले कमल गुप्ता स्थानीय नगर निकाय मंत्री पहुंचे थे, अब डीसी नगर निगम में पहुंचे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। काफी संख्या में बाहर कर्मचारियों को भी खड़ा किया गया, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग किस लिए आए हो यहाँ पे? सर हम सफाई कर्मचारी हैं, 250 बंदा 3 महीने पहले हटाया गया था, तो इसी करके आए हैं सर। हर मतलब दूसरे दिन आते हैं तो हमें 2 दिन का टाइम दे दिया जाता है। कुछ नहीं मतलब कोई समाधान नहीं, आश्वासन दे के हमें भेज दिया जाता है, मिट्टी को नहीं देंगे, अपने घर जाओ, बस कोई समाधान नहीं। मंत्री जी आए थे, उनसे मिले आप? नहीं, मंत्री जी से नहीं मिले। निकल गए थे तब तक? जब आप तब तक निकल गए। आप यहाँ पर ऊपर जिला उपायुक्त पहुँचे हैं, डीसी साहब पहुँचे हैं, क्या बातचीत करेंगे उनसे? बातचीत करेंगे, फिर कब होगा हमारा समाधान? मांगे क्या हैं आपकी? मांगे सिर्फ ये, हमें दोबारा काम मिल जाए, रोजगार। हटाया क्यों गया था? टेंडर खत्म हुआ, टेंडर खत्म हो गया था, और ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई नोटिस दिया गया, ना कभी बताया गया हमें, एक दिन पहले भी नहीं बताया गया हमें। प्रमोद से मिले हैं, एमपी साहब से मिले हैं, और अपना महिपाल ढांडा से भी मिले हैं, और आज कमिश्नर साहब से अपना डीसी साहब से मिले हैं, और इनकी समस्या ये 4 महीने से ये बताओ कि हमारा अभी तक कोई समाधान नहीं। इनके बच्चों का दाखिला नहीं, इनके बच्चे घर बैठे हैं, कोई इनके पास आमदन नहीं, और कोई गरीब आदमी है इनका रोजगार देने के लिए हम डीसी साहब से अपने कमिश्नर साहब से अपील करने आए हैं, और आशा करते हैं कि इनका समाधान जल्द से जल्द। 3 महीने पहले कहा गया था, 3 महीने पहले, ये 15 दिन में तुम्हें दोबारा ड्यूटी पे लगाया जाएगा, लेकिन 3 महीने बीत चुके हैं सर, हम कर्जा लेके अपना घर चला रहे हैं, कब तक कर्जा लेंगे सर? किसी ठेकेदार के अंडर थे आप? हाँ जी, ठेकेदार के अंडर थे वो, लेकिन वो ठेकेदारों का तो और भी काम चल रहा है उन ठेकेदारों का, अगर जो वो चाहते तो उन ठेकेदारों के पास काम है, उनका चल रहा है, तो दूसरी बात मत रख सकते थे। इनका जो बच्चे हैं बिल्कुल इनको नकारा जा रहा है, बिल्कुल कहीं भी इनको आश्वासन नहीं दिया। इससे पहले कहीं शिकायत वगैरह कोई ज्ञापन वगैरह दिया आप लोगों ने? सब जगह प्रमोद जी जो हमारे विधायक हैं, शहर विधायक हैं, ग्रामीण विधायक हैं, हमारे भाईपाल दादा जी हैं, मेयर जी हैं, इन मेयर है हमारे, और हमारे एमपी साहब भी हैं, सिर्फ खाली एक आश्वासन दिया जा रहा है। आज तक वो टेंडर हो गया, सारा शहर सड़ा बढ़िया है, और लेकिन कोई सुना ही नहीं। कितने कर्मचारी थे टोटल? ये 200 कर्मचारी थे जो कि पूरे शहर को साफ सुथरा कंपनी को कर रहे थे, INDI कंपनी थी, और जो उसका काम भी चल रहा है ऊटा के अंदर, और ये जो ऊर्जा कंपनी है उसमें भी रख सकते थे, इनको रोजगार देना चाहिए था। ये कर्मचारी बेचारे कहाँ जाए, इतनी महंगाई हो चुकी है, आज जो काम कर रहे हैं उनका ही पूरा पत्र इतनी महंगाई के अंदर। तो लाइव तस्वीरें पानीपत नगर निगम के बाहर से आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में सफाई कर्मचारी पहुंचे हैं। इससे पहले इनका टेंडर था, लेकिन टेंडर खत्म होने की वजह से इनको हटा दिया गया था। अब उन्हीं मांगों को लेकर कि इन्हें दोबारा से नौकरी पर रखा जाए, इन्हीं सब मांगों को लेकर आज पानीपत नगर निगम में पहुंचे हैं। हालांकि जिला उपायुक्त मौके पर पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए। इससे पहले स्थानीय नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता यहां पर पहुंचे थे, हालांकि उनसे इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। हो सकता कुछ मुलाकात होती तो कुछ समाधान भी जरूर निकल जाता, लेकिन इनकी मांग है कि हम 200 कर्मचारी हैं, घर कैसे चलेगा। तमाम मांगों को लेकर ये कई बार शहरी विधायक प्रमोद विज और नगर निगम में भी अपनी शिकायतें और ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कहीं कोई समाधान नहीं है। आज उम्मीद के साथ पहुंचे हैं कि
जिला उपायुक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत करें, कहीं इनकी भी बात सुनी जाए और इनको भी रोजगार दिया जाए, क्योंकि रोजगार की समस्या पानीपत में बहुत, पानीपत ही नहीं पूरे देश और पूरे प्रदेश में रोजगार की समस्या बड़ी समस्या लगातार बनती जा रही है। और इसी करीब 200 कर्मचारी बता रहे हैं कि इनको सफाई कर्मचारी के तौर पर रखा गया था, कोई कंपनी के अंडर ये काम करते थे, लेकिन कंपनी का टेंडर जो है ख़त्म हो गया था, उसकी वजह से इनको हटा दिया गया था। और बात करें पानीपत शहर में सफाई की, तो वो तो आप देख ही सकते हैं, लगातार खबरें हमारे माध्यम से भी आप देखते रहते हैं कि सफाई व्यवस्था जो है चरमराई हुई है, बावजूद उसके भी कर्मचारियों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर आज जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचे हैं। जिला तस्वीरें आप देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिला उपायुक्त से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, हालांकि वो कमिश्नर साहब से बातचीत कर रहे हैं, कमिश्नर आर के सिंह के कार्यालय में वो मौजूद हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नगर निगम में जो जिला उपायुक्त पहुंचे हैं, इनकी मुलाकात हो पाती है और क्या आश्वासन इनको दिया जाता है। हालांकि इनकी मांग यही है कि इनको रोजगार दिया जाए, और अगर रोजगार नहीं दिया जाता तो आगे की कोई स्टेप अप करेंगे, कोई प्रदर्शन, कोई धरना, क्या करना सर, ये गरीब आदमी क्या स्टेप लेंगे, इनको तो रोजगार चाहिए, रोजगार दिया जाए, क्या स्टेप लेंगे जी? सारी सरकार बीजेपी की सरकार है और सारा प्रशासन सरकार का है, तो इनको रोजगार दिया जाए। सफाई कर्मचारियों की यूनियन भी है, उनसे आपकी बातचीत नहीं हुई, उन्होंने आपकी आवाज नहीं उठाई? यूनियन ये एक हमारा ऐसा प्रधान बना दिया जी, वो इनकी उनकी इनके वादे नहीं उठाता जी, वो तो जो पैसे देता है, जो पैसे देता है ना उसी की आवाज उठाता है, जो ये बेचारे उसको कहाँ से पैसे दे, जब इनके बच्चे घर भूखे बैठे हैं, वो तो उनकी कोशिश नहीं करता, जो पैसे देते हैं वो प्रधान की कोशिश नहीं कर रहे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रधान यूनियन की बात हमने की तो इनका कहना है कि प्रधान को ऐसा बना दिया कि इनकी आवाज़ ही नहीं उठाई जा, ताकि इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और इनको भी रोजगार दिया जाए, क्योंकि घर सबको चलाना है, बच्चे सबको पालने हैं, उनका पढ़ाई का खर्चा भी है और रसोई का खर्चा भी रहता है। बिल्कुल, तो जिला उपायुक्त यहाँ पर पहुंचे, उनसे मुलाकात करेंगे और देख, अभी वो कमिश्नर साहब से मुलाकात कर रहे हैं, जैसे ही फ्री होंगे आप मिलेंगे, यहीं से आएंगे और आप मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात आप रखें। अनुरोध है टेंडर कहते हैं कि भाई कल हो जाएगा, आज 3-4 महीना लग गया, 4 महीने हो गए, ये कहते कहते कि भाई कल टेंडर हो जाएगा, 10 हफ्ते में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, ये बेचारे उस आस पर अपने घर बैठे हैं, लेकिन आज 4 महीने हो चुके हैं, इनको बेचारे को इनको सफाई मित्र का कोई काफ़ी समस्या हो गया, और सभी समय अनुरोध करता हूँ MP साहब से भी, विधायकों से, मेयर साहब से भी, भाई इनको रोजगार दिया जाए, इनके बच्चों का पालन पोषण ये कर सकें, मेरी यही रिक्वेस्ट है। ठीक।